बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ थी आप और थोड़ा सा बताइए क्या चल रहा है आजकल? अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है अभ्यूहम, और बहुत अच्छी जा रही है थिएटर्स में, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी पहली मलयालम फिल्म है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा डी ग्लैमराइज्ड रोल प्ले कर रही हूँ, लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत अलग और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करने के लिए मिला है इसमें, सो आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। राइट, ऑल्सो तीनों मीडियम में आप काम कर रही है, OTT की बात करें, TV में आपने काम किया है, बड़े पर्दे के लिए काम करें, क्या कहना चाहेंगे, तीनों के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा ईजी या डिफ़िकल्ट लगा आपको? तीनों अच्छे हैं। जब मैं TV करती थी तो हम बहुत फास्ट काम करते थे, और जिसकी वजह से मुझे जल्दी स्क्रिप्ट्स याद करना और जल्दी डायलॉग्स याद करना, यू नो, इट वाज वेरी हेल्पफुल। और जब मैं फिल्म में काम किया तो फिल्म का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, हम लोग पूरे दिन में शायद एक ही सीन करते हैं, तो इट्स वेरी ईजी TV करने के बाद फिल्म करना, क्योंकि आप यूज़ टू हो जाते हो अपनी लाइन से, और बहुत जल्दी आपको लाइन्स याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो TV इज़ अ समथिंग विच हेल्प्ड मी अ लॉट एज एन एक्टर, की लाइटिंग एंड द कैमरा एंगल्स एंड प्रॉपर, यू नो, हर चीज़ मुझे एक सेट का जो एक एक्सपीरियंस था वो TV से मिला, और उसने मुझे फिल्म में बहुत हेल्प किया। सो ऑल मीडियम्स आर वेरी डिफरेंट, इवन OTT, इवन TV, इवन फिल्म्स, एवरी मीडियम इज़ वेरी नाइस, और जहाँ पे भी आपको अच्छा काम मिले यू शुड डू इट। राइट, ऑल्सो साउथ में भी बहुत अच्छा काम कर रही है आप, थोड़ा सा बताइए साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस महसूस किया एज एन एक्टर आपने? साउथ और बॉलीवुड, एक्चुअली डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, सिनेमा तो हर जगह एक तरीके का बनता है, लेकिन साउथ में मुझे जो लगा कि आजकल क्या हमेशा से स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे कंटेंट पे वो लोग काम कर रहे हैं, जो आपको एज एन एक्टर बहुत फैसिनेट करता है जब आप एक अच्छी स्टोरी और अच्छी अच्छा किरदार निभाते हो ऑन स्क्रीन। और बॉलीवुड में भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, और इट्स अ गुड थिंग एवरीवेयर, इट्स अ नाइस सिनेमा, बट या यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। ऑल्सो आपको लगता है कि अगर डिसिप्लिन से काम होता है तो चीज़ें भी अच्छी होती है, फिल्में अच्छी होती है? हाँ, वैसा डिसिप्लिन तो हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली जब कन्फ्यूजन और ये सब चीज़ें तब सेट पे क्रिएट होती हैं जब आपका प्री प्रोडक्शन बहुत कमज़ोर हो, तो जहाँ पे प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है वहाँ पे बहुत इजीली चीज़ें मैनेज होती हैं। और डिसिप्लिन तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन फिल्म मेकिंग, और एक्टर, डायरेक्टर, एवरीवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ऑल्सो क्योंकि आप अब ज़्यादा साउथ में काम कर रही हैं, तो क्या एक चीज़ जो आप सीखी है आपने और आगे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप साउथ सिनेमा से स्पेशली? जो मैंने बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत जो मंझे हुए बहुत ज़्यादा सालों से, बहुत जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका क्राफ्ट है, जो आपका किरदार है, आपको उसी में रहना चाहिए कुछ वक्त। अगर आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आसपास आपके बहुत डिस्टर्बेंसेस होंगी, लेकिन यू शुड नॉट टेक आउट दैट कैरेक्टर फ्रॉम यू, एंड आप कुछ भी करो सेट पे, आप खाओ पियो मज़े करो मस्ती करो, और मैं तो बहुत मज़े करती हूँ, मेरा आई डू अ लॉट ऑफ सरकाज़म एंड आई यू नो मेक फन विद एवरीवन, बट दे शुड नॉट से एनीथिंग टू यू अंटिल अनलेस यू आर डूइंग योर जॉब राइट। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो कोई आपको कुछ नहीं बोलता, सो ये चीज़ मैंने सीखी है बहुत सारे लोगों से, ह्यूमर सीखा है, देयर सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी गुड, द वे दे वर्क इज़ वेरी गुड, एंड अभी रिसेंटली आई वर्कड विद थम्बी रमिया, ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर एंड ही इज़ डायरेक्टर ऑल्सो इन साउथ, तो उनका कॉमिक टाइमिंग, द वे ही परफॉर्म्स एंड वे ही इम्प्रोवाइज द सीन, आई लर्नड फ्रॉम हिम अ लॉट, एंड देर आर सो मेनी एक्टर्स आई एम वर्किंग विद, सो दे आर ऑल, देर समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी वन। एज एन एक्टर किससे इंस्पायर होती है आप, अगर उस बारे में कुछ पता है, बॉलीवुड, साउथ, एनी? एज एन एक्टर मैं मीना कुमारी और मधुबाला जी से बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो उनमें कुछ तो चार्म था जो आज किसी भी एक्ट्रेस में नहीं है,
तो मैं कोशिश करूँगी कि शायद उनका 10% भी मुझ में आ जाए, तो आई कीप वॉचिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम. राइट, कहा जा रहा है कि मीना कुमारी जी के ऊपर एक बायोपिक बनने वाली है, राइट राइट. एज एन एक्टर किसे देखना चाहेंगे आप मीना कुमारी जी के किरदार में? आई थिंक सारा अली खान विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मीना कुमारी टू कास्ट, और मी आई वुड लव टू प्ले मीना कुमारी. ऑल्सो अभी जो साउथ में आप फिल्म करके आई है उसके बारे में कुछ बताइए, किरदार के बारे में कुछ बताइए आप. अभी मैंने एक तेलुगु फिल्म करी है जिसमें आई एम वेरी आउट गोइंग, वेरी यू नो हाइपर एक्टिव कैरेक्टर, एंड उसका बॉयफ्रेंड और उसका हस्बैंड जो भी है ही स्केर्ड एंड उसको गुंडे आके छेड़ रहे हैं, एंड शी इज़ डूइंग द फाइट. सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, एंड शी हैज़ अ फैमिली, शी हैज़ अ लव लाइफ, एंड शी हैज़ एवरी थिंग इन द फिल्म टू डू, एंड आई फील वेरी प्रिविलेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द तेलुगु फिल्म में क्या होता है कि इट्स अ वेरी हीरो डोमिनेटिंग सिनेमा वेयर actors have more role than females and females are mostly seen in the songs. So in my film it's not the case and I got equal screen presence as compared to the actor and I feel very happy and privileged about it. Right. Also Bollywood mein abhi bahut sari badi badi film aane wali hai. As an actor aap kaun si film dekhne ke liye sabse zyada excited hai? I think I am waiting for this Heera Mandi of Sanjay Leela Bhansali because mujhe bahut interesting lag raha hai uska first look and all. Aur as a actor aisa koi director hai jiske sath kaam karne ka dream ho ya fir uske sath kaam karna chahti ho aap in future, agar us bare mein kuch bata hai? Waise to aap sabhi director ke sath I am sure kaam karna chahti ho, lekin aisa koi hai jo list mein upar ho? Mani Ratnam sir, I would love to work with him. Right. Also as an actor kiske sath dream hai? As an actor, Ranbir Kapoor, he is the finest actor I feel that right now in Hindi cinema. Right. Also, अभी जो है टीवी में आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने काम किया, तो क्या आगे अगर ऑफर मिलेंगे टीवी में तो क्या टीवी में काम करना चाहेंगे या फिर पूरी तरह से अब फिल्म की तरफ रुक किया है? अभी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं फिल्म्स करूं, क्योंकि मुझे डिफरेंट सिनेमा डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, और मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करूँ ऑन स्क्रीन. और हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे कभी भी कुछ ऐसा करने का मौका मिला टीवी में तो आई डोंट माइंड डूइंग टीवी आल्सो. राइट. आल्सो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि whenever if it is possible nearest theater, if you see Abhyuham, please go to watch Abhyuham. It's amazing script and my character is very different in the film, and hopefully if it doesn't you can't watch in theater, it will soon come in OTT. So please do watch Abhyuham, and lots and lots and lots of love to you all. Any of your upcoming project in Bollywood? I have one OTT film, Zorawar Di Jacqueline, and one web series, Chashmish, in Hindi. So both of the projects are in post right now, and yeah, I'm waiting for them to release. Thank you. Thank you so much, and all the best. Thank you so much.